हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ट्रंप के दौरे से पहले कैबिनेट ने अमेरिका से नौसेना के लिए 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के सौदे को मंजूरी दी। करीब 21,000 करोड़ में होगी डील। कैबिनेट बैठक में अमेरिका से 6 अपाचे हेलीकॉप्टर और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के सौदे पर नहीं हो सका फैसला। भारत दौरे पर आ रहे ट्रंप से डील होगी या नहीं, इस पर भी संशय। अमेरिका के साथ व्यापारिक डील को लेकर कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता है भारत, सूत्रों के हवाले से खबर। कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच अभी बात अटकी हुई है। ट्रंप की सुरक्षा का साजो सामान लेकर अमेरिकी एयरफोर्स का एक और विमान अहमदाबाद पहुंचा। अहमदाबाद में राष्ट्रपति ट्रंप का शानदार स्वागत के लिए हवाई अड्डे से लेकर साबरमती आश्रम तक युद्ध स्तर पर सजावट और मरम्मत का काम जारी। 24 फरवरी को भारत आ रहे हैं ट्रंप। अहमदाबाद के रोड शो में ट्रंप देखेंगे मिनी भारत की झांकी। रास्ते में 28 जगहों पर भारत के 28 राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां दिखाई जाएंगी। 6 महीने पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन करने वाली टीम भी ट्रंप के दौरे से पहले अहमदाबाद पहुंची। टीम में ज्यादातर गुजराती अप्रवासी। ट्रंप के दौरे से पहले आगरा पहुंचने लगा है यमुना में छोड़ा गया गंगा का पानी। ताजमहल के पीछे जल स्तर बढ़ाने के लिए हरिद्वार से गंगा नहर के जरिए 500 क्यूसेक पानी भेजा गया है। आगरा में पिछले 24 घंटे में गंगा के पानी की वजह से यमुना का जल स्तर 6 इंच बढ़ गया है। यमुना पहले से 2.5 मीटर चौड़ी हुई। आगरा में ताजमहल से 500 मीटर पहले ही रुक जाएगी ट्रंप की बुलेट प्रूफ कार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से काफिला छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ी से ताजमहल तक जाना होगा। 24 फरवरी को अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रंप मोदी के सामने मशहूर गायक कीर्तिदान गढ़वी गाएंगे भजन। गढ़वी ने तेरी लाडकी गाना गाने की इच्छा जताई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं। मुंबई के वर्ली में ट्रंप की कंपनी ने 78 मंजिल की इमारत बनाई है जिसका नाम लोधा ट्रंप टावर है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से भी है ट्रंप का कनेक्शन। सेक्टर 65 में ट्रंप की कंपनी बना रही है आलीशान इमारतें। ट्रंप टावर्स में एक फ्लैट की शुरुआती कीमत 5.5 करोड़ रूपए। ट्रस्ट की पहली बैठक में राम मंदिर का निर्माण पुराने स्वरूप में ही करने पर सहमति। पहले से तैयार शिलाओं का ही होगा इस्तेमाल। एक निर्माण कमेटी का भी होगा गठन। रामनवमी से नहीं शुरू हो पाएगा राम मंदिर का निर्माण। बुधवार को दिल्ली में राम मंदिर ट्रस्ट की हुई पहली बैठक में लिया गया फैसला। राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक में बड़ा ऐलान। महंत नृत्य गोपाल दास बने ट्रस्ट के अध्यक्ष। विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय महासचिव होंगे। पीएम मोदी के प्रधान सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्रा बने राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरिजी महाराज ने एबीपी न्यूज को दी जानकारी। रामनवमी से लेकर अक्षय तृतीया के बीच शुरू हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण। महंत नृत्य गोपाल दास के राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनने पर भक्तों में उत्साह। दिल्ली में किया जोरदार स्वागत। महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष और चंपत राय को महामंत्री बनाने पर वीएचपी की तरफ से ट्वीट कर बधाई दी गई। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। राम मंदिर बनने तक रामलला की मूर्ति को बुलेट प्रूफ कॉटेज में रखा जाएगा। यूपी में एक जनसभा में बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, मंदिर के लिए ट्रस्ट बन सकता है तो मस्जिद के लिए क्यों नहीं, देश तो सबका है। भाषण देने की आजादी पर बोले संघ कार्यवाह भैया जी जोशी, बोलने की आजादी का मतलब कुछ भी बोल देना नहीं हो सकता। आज फिर शाहीन बाग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वार्ताकार नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन। बुधवार को 2 घंटे तक हुई चर्चा बेनतीजा रही थी। जामिया लाइब्रेरी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा एक और छात्र आया सामने। हुजैफा ने बताया पुलिस ने बेकसूर छात्रों पर भी लाठियां भांजी। जामिया से बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं हुजैफा। हरिद्वार पहुंचे पाकिस्तानी हिंदुओं ने किया नागरिकता कानून का समर्थन। बोले भारत जैसी आजादी और कहीं नहीं, नागरिकता कानून में कोई खोट नहीं। मोदी सरकार ने दी किसानों को राहत। अब स्वैच्छिक होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पहले कर्ज लेने वाले किसानों के लिए योजना से जुड़ना अनिवार्य था। तीसरी बार दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद सीएम केजरीवाल ने ली पहली कैबिनेट बैठक। 10 गारंटी लागू करने के लिए हफ्ते भर में एक्शन प्लान मांगा।
अरविंद केजरीवाल ने बताई कोई विभाग अपने पास न रखने की वजह, बोले मंत्रियों की मॉनिटरिंग में आसानी होती है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल को खत लिखा, सेमने की बधाई दी, साथ चलकर गाजीपुर लैंडफिल साइट के निरीक्षण की अपील की। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरोज पांडे को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। विधायक दल के नेता की रेस में दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष रह चुके विजेंद्र गुप्ता, पांचवी बार विधायक बने मोहन सिंह बिष्ट और रामवीर सिंह विधुड़ी के नाम आ गए। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी सिर्फ 8 सीट ही जीत पाई थी। इन्हीं जीते हुए 8 विधायकों में से एक को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। देश के नए मुख्य सतर्कता और सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, असंवैधानिक बताते हुए नियुक्ति निरस्त करने की मांग की। सुब्रमण्यम स्वामी का अपनी ही पार्टी पर हमला, जीएसटी को 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागलपन बताया, बोले सुपर पावर बनने के लिए अगले 10 साल तक चाहिए 10% की विकास दर। रिवॉर्ड पीपल हु विल इन्वेस्ट, डोंट टेररिज देम विद इनकम टैक्स एंड दिस जीएसटी व्हिच इज द बिगेस्ट मैडनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। बिहार के पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने सीमांचल को घुसपैठियों का गढ़ बताते हुए विरोध की बात कही। सीमांचल घुसपैठियों का निश्चित रूप से सबसे ज्यादा मतभेद हुआ, अगर है विपक्ष में ताकत खुल के कहे। दिल्ली में चल रहे हुनर हाट में पीएम मोदी के लिट्टी चोखा खाने पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का तंज भरा ट्वीट, लिखा कितने भी लिट्टी चोखा खा ले बिहार आपका धोखा नहीं भूलेगा। शराब को संजीवनी बताने वाले जीतन राम मांझी को मिला जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह का साथ, बोले व्यवस्था और संस्कृति के हिसाब से पीनी चाहिए शराब। दावा दारू सिस्टम से संस्कार के हिसाब से होते ही उनको विरोध हम न करो। दिल्ली के कंझावला में बीती रात कार सवार बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की, युवक की मौके पर ही मौत। पश्चिम दिल्ली के हरिनगर में अगवा किए गए कारोबारी को पुलिस ने छुड़ाया, चार लोगों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर परिवार में मांगी थी 25 लाख की फिरौती। मुंबई में 3 बड़े 5-स्टार होटल को उड़ाने की धमकी से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, धमकी भरे मेल में आतंकी संगठन लश्कर का जिक्र, मुंबई पुलिस की साइबर सेल और एटीएस जांच में जुटी। मुंबई के 7 हिल्स होटल को लश्कर ए तैयबा के नाम पर भेजा गया धमकी भरा ईमेल, वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन न देने पर बम से उड़ाने की धमकी दी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने कथित लश्कर आतंकी जुबैर अहमद गनी को गिरफ्तार किया, हथियार मोबाइल और एक कार बरामद। पटना में दिन दहाड़े गहनों की दुकान से 15 से 20 लाख की लूट, हथियारबंद 3 बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया। अमृतसर की ड्रग्स फैक्ट्री के लिए दुबई से मिली थी 1 करोड़ रुपए की फंडिंग, बीते महीने ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, अब तक 13 लोग गिरफ्त में। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बेटे पर राजस्व निरीक्षक की पिटाई का आरोप, बीएलओ की ड्यूटी बदलने से इनकार करने पर पीटा था, केस दर्ज। यूपी के महाराजगंज में 500 रुपए उधार न लौटाने पर युवक की पीट पीट कर हत्या, दोस्त पर ही लगा हत्या करने का आरोप। यूपी के कुशीनगर के बीजेपी विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी के घर में हथियार लेकर घुसने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पिछले हफ्ते हुई थी वारदात। पंजाब के बनाला में कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर की खुदकुशी के बाद लोगों का बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बरनाला के धनोला कस्बे में मंगलवार को कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर हरमेल सिंह ने 4 लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाकर खुदकुशी की थी, प्रदर्शनकारी जांच की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड के भगवानपुर में बैंक से 2.5 लाख रुपए ले उड़े 3 लुटेरे, महिला ग्राहक से मारपीट भी की। नोएडा में बिजली विभाग के डिमांड ड्राफ्ट में फेरबदल कर 1,66,00,000 रुपए की निकासी, पुलिस ने बैंक मैनेजर और बिजली विभाग के आरोपी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। कोरोना वायरस से लड़ रहे चीन की मदद के लिए दवाई और मेडिकल सामान लेकर कल वुहान रवाना होगा वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान, वापसी में 100 भारतीयों को लेकर लौटेगा।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की तारीफ की, कहा अपना ध्यान रखिए, हम जरूर जीतेंगे जंग। कोरोना वायरस की वजह से चीन के वुहान में फंसे पाकिस्तानी छात्रों के परिवार ने इस्लामाबाद में प्रदर्शन किया, इमरान सरकार से मदद की मांग। चीन में कोरोना वायरस का असर यूपी के कानपुर में भी दिखा, चीन से माल नहीं आने से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कारोबार प्रभावित। कोरोना वायरस के डर में कर्नाटक में 75 रुपए किलो मिलने वाला चिकन 45 रुपए में बिक रहा है, दाम में गिरावट से अब तक 65 करोड़ का नुकसान। कोरोना वायरस की वजह से 15 दिन से जापान के क्रूज में फंसे 500 लोगों को घर जाने की इजाजत मिली, जहाज में अब तक 621 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। हरियाणा के फतेहाबाद में ट्रक और ऑल्टो की भीषण टक्कर, हादसे में कार सवार की मौत। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन में ऊपर जा रही एस्केलेटर की सीढ़ियां अचानक उल्टी दिशा में चलने से मची अफरा तफरी, एक शख्स जख्मी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मुरम की खदान धंसने से हादसा, दो महिलाओं के दबे होने की आशंका, छह महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी। सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया गैलेक्सी A71 मोबाइल फोन, फोन में 6.7 इंच की इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले और 64 मेगापिक्सल का कैमरा, कीमत 29,999 रुपए। ओडिशा के गंजम में मछुआरों के बिछाए जाल में फंसी बड़ी व्हेल मछली, बाद में व्हेल को समुद्र में छोड़ा। भारत में कृत्रिम गर्भाधान के लिए कानून बनाएगी सरकार, इसी संसद सत्र में पेश किया जाएगा बिल। अपनी कई मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन, प्राधिकरण के गेट का ताला तोड़ा, 500 अज्ञात किसानों पर केस दर्ज। गुजरात के अलंग में कबाड़ हो चुके कार्गो जहाज में चोरी छिपे चढ़े 9 लोगों को कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार किया। सेना को मिलेगा नया मुख्यालय, 21 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली कैंट में थल सेना भवन के लिए भूमि पूजन करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद कटास राज मंदिर में शिवरात्रि मनाने के लिए 25 श्रद्धालुओं का जत्था अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर से रवाना हुआ। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा, 3 साल बाद क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट को अलविदा कहने की सोचूंगा। कल से न्यूजीलैंड के साथ शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच से पहले विराट ने की सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की तारीफ, बोले मैं चाहता हूं पृथ्वी अपना नेचुरल गेम खेले। कल से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड के अहम गेंदबाज नील वैगनर, गर्भवती पत्नी के साथ समय बिताने के लिए मिली छुट्टी। मांसपेशियों में खिंचाव के चलते न्यूजीलैंड दौरे से बीच में ही बाहर हुए रोहित शर्मा जिम में वर्कआउट करते दिखे, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। तुर्की के तरकुलर में खेले गए दूसरे फ्रेंडली मैच में रोमानिया को 1-0 से हराया। धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, धोनी किसी बाथरूम में पीयूष चावला और पार्थिव पटेल के साथ है और किशोर कुमार के गाने का आनंद ले रहे हैं, वीडियो मालदीव्स का बताया जा रहा है। छब्बीस जून को रिलीज होगी फिल्म बंटी और बबली 2, सैफ अली खान होंगे बंटी, बबली का किरदार निभाएंगी रानी मुखर्जी। 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम पर आधारित फिल्म 83 से दीपिका पादुकोण का पहला लुक आउट, फिल्म में कपिल देव की पत्नी का किरदार निभा रही हैं। बंगाली फिल्मों के अभिनेता और टीएमसी के पूर्व सांसद तपस पॉल का निधन, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने जताया दुख। अजय देवगन के साथ सिंघम 3 बनाने की तैयारी में निर्देशक रोहित शेट्टी, फिलहाल अपनी फिल्म सूर्यवंशी के प्रमोशन में व्यस्त है रोहित। जल्द ही अपनी फिल्म हीरोपंती के सीक्वल का ऐलान कर सकते हैं निर्देशक साजिद नाडियाडवाला, सीक्वल में भी टाइगर श्रॉफ मुख्य किरदार निभाएंगे। अपनी आने वाली फिल्म मिमी के लिए अभिनेत्री कृति सेनन ने बढ़ाया 15 किलो वजन, फिल्म में सरोगेट माँ का किरदार निभा रही हैं। अमेरिका के मिनीसोटा में मेटल रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भीषण आग, पिछले 24 घंटों से लगी आग को बुझाने की कोशिशें जारी। लंदन के किंग्स कॉलेज अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के दौरान वायलिन बजाते रही मशहूर कलाकार डैगमर टर्नर, सफल रही सर्जरी।
ब्रिटेन के साउथ वेल्स में एटीएम से पैसे निकाल कर लौट रहे 77 साल के बुजुर्ग को लूटने की कोशिश। बुजुर्ग ने बॉक्सिंग पंच मारकर लुटेरे को भगाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पब्लिक लाइब्रेरी में लगी आग, आग बुझाते एक दमकल कर्मी की मौत, दूसरा लापता। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।